दयानंद इंटर कॉलेज में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कॉलेज के स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तथा कॉलेज की पत्रिका किसलय का विमोचन पूर्व प्रधानाचार्य राधेश्याम श्रीवास्तव ने तथा कार्यक्रम का शुभारंभ छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना कॉलेज प्रार्थना स्वागत गीत गाकर किया, जिसके संबंध में कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज का दिन स्वयं मेरे लिए भी गौरवान्वित होने वाला दिन है, क्योंकि मैं भी इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा और पुनः शिक्षक के रूप में अपनी सेवा के दौरान मैं इस कुर्सी पर विराजमान हूँ। इस अवसर पर नंदलाल गुप्ता, बसंतलाल श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, राघवेंद्र श्रीवास्तव, राम मिलन शर्मा, तेज बहादुर लाल, जगदीश पांडे सहित विद्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दयानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुप कुमार श्रीवास्तव ने कहा, किसी स्थापना दिवस कार्यक्रम पर यह विचार 20 दिन पहले त्रिका के रूप को फिर से सजीव रूप में लाने का प्रयास किया और इस क्षमा प्रार्थी नहीं है वरन वचन देते हैं कि जो यहाँ हम बैठ कर कर रहे हैं इसे मंच पर आपको आसीन करते हुए आगे और बृहद रूप में दिखाएंगे। ये बेहतर स्थितियों में दिखेगा, बस हमारी शुरुआत को आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। जो कार्यक्रम जिसकी शुरुआत आप सब पहले दिए थे, एड्स को लगा देंगे श्री नागेंद्र श्रीवास्तव जी और पत्रिका का, आप हमारे बड़े हैं कि पत्रिका के स्वरूप को कैसे और विस्तार दिया जाए। केवल विद्यालय के स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है, विद्यालय की गौरवशाली परंपरा को बढ़ाने के क्रम में यह कार्यक्रम बीच में छूट गया था, लेकिन कई वर्षों तक नहीं हुआ, लेकिन इस साल से मैं प्रधानाचार्य हुआ हूँ तो चूँकि मैं यहाँ का विद्यार्थी भी रहा हूँ इसलिए मुझे सब मालूम है और मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि स्थापना दिवस मनाया जाए। इसमें हमने पुराने अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और सारे शिक्षक शिक्षकेतर साथियों और बच्चों को बुलाया है, पुस्तक विलोपन और एक बहुत दिनों से एक कार्य रुका था, पत्रिका प्रकाशन विद्यालय की मैगजीन किसलय इसका भी प्रकाशन बहुत वर्षों के बाद आज प्रारंभ किया जा रहा है। फिर इस कॉलेज का ये 1929 से ये कॉलेज है और लगभग 90 वर्ष हो गए हैं।